हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बड़ी अपडेट आ रही है सीबीएसई के स्टूडेंट। देखो भैया, स्टेट वाइज परमिशन लेनी थी, स्टेट वाइज जो आइडियाज थे वो प्रोवाइड करने थे रमेश पोखरियाल जी को, तो उसमें से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अभी गुजरात से। यस, गुजरात में अभी अपडेट आई है कि गुजरात रेडी है गुजरात बोर्ड के एग्जाम लेने के लिए 1 जुलाई से। यस, आप सही सुन रहे हो कि 1 जुलाई से गुजरात बोर्ड की एग्जाम लेने वाली है। यानी कि गुजरात के दरवाजे तो खुले पड़े हैं कि भाई आप सीबीएसई की अभी एग्जाम ले सकते हो। तो यानी कि गुजरात बोर्ड की ओर से उनको एक सेंटर को ये परमिशन मिल चुकी है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि अगर गुजरात बोर्ड की एग्जाम के लिए वो शेड्यूल वो बोल ही दिया है न्यूज में कि 1 जुलाई से 12th की एग्जाम होने वाली है, टोटल स्टूडेंट उसमें अपियर करने वाले हैं 1,40,000 स्टूडेंट्स। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कि पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने ये मुद्दा उठाया कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कोविड है या मेरे घर में किसी को कोविड है या फिर मैं एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाता तो क्या होगा, तो उन्होंने ये बताया कि आप टेंशन मत लो, 25 डेज के बाद एक और रिशेड्यूल करेंगे हम एग्जाम को। उस टाइम पे जो स्टूडेंट इस एग्जाम को अपियर नहीं कर पाते 1 जुलाई वाली एग्जाम को, उनको वो 25 डेज बाद जो एग्जाम वो शेड्यूल करेंगे, रीशेड्यूल करेंगे, उस टाइम पे एग्जाम वो दे सकेंगे। तो ये कुछ अभी अपडेट आ रही है गुजरात से कि यानी कि 1 जुलाई से एग्जाम गुजरात बोर्ड के होने वाले हैं। यानी कि सीबीएसई के लिए भी जुलाई में परमिशन गुजरात बोर्ड से मिल सकती है, यानी कि मिल ही गई, ऐसा ही समझ सकते हो। बट क्वेश्चन ये आता है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, दिल्ली, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो परमिशन देने के लिए मान ही नहीं रहे, या फिर ऐसा बोल सकते कि वो सही सोच रहे कि भैया स्टूडेंट की भी तो हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं केसेस को देखते हुए ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि भैया हम एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए परमिशन नहीं दे सकते, कतई नहीं दे सकते। अब देखना ये कि चलो भैया गुजरात बोर्ड की तो एग्जाम हो जाएगी, बट सीबीएसई वालों का क्या? अगर सीबीएसई को हर स्टेट से परमिशन नहीं मिलती तो एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे, वो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो यहां पे देखने वाली बात ये है कि क्या 4 और 5 स्टेट की बात सुनी ही नहीं जाएगी, या फिर उनको समझाया जाएगा, कोई ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर और 4 या 5 स्टेट जो डिमांड कर रहे कि भैया हम स्टूडेंट की हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एग्जाम हो जाएगी तब होएंगी, देखा जाएगा, अदरवाइज इसको कैंसिल करो, जो भी करना है करो, बट अभी हम नहीं कंडक्ट करवा सकते, यानी कि वो जुलाई के लिए भी शायद रेडी नहीं है। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये 4-5 जो स्टेट है जिन्होंने सख्त मना कर दिया कि भैया वैक्सीनेशन के पहले पॉसिबिलिटीज है नहीं, और वैक्सीनेशन का तो कहीं पे दिख नहीं रहा है कि उसका क्या हो सकता है। तो यस, मेरी पॉजिटिव आर्मी, कुछ ये अपडेट मुझे आपको देनी थी कि गुजरात बोर्ड की एग्जाम जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है, वो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। अब बात करते हैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई की अपडेट के लिए ये 4-5 स्टेट आज सबको सबमिट करना था। तो कुछ ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने परमिशन लगभग नहीं दी है, ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है। जैसे कि सिसोदिया सर ने क्लियरली आगे वीडियो मैसेज दिया था कि भैया हम वैक्सीन के पहले परमिशन नहीं दे सकते और हम स्टूडेंट की हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, जो सही भी है और हम एक्सपेक्ट करते कि भैया ऐसा ही हो और स्टूडेंट की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए और उनकी बातों के ऊपर भी फोकस किया जाए। सो थैंक यू सो मच इस लाइव में, इस वीडियो में जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल जिससे आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड आई होप हम जो चाहे वही हो, यानी कि जो यार अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम कोविड पर फोकस करें अपनी स्टडी पर, तो यस हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम कैंसलेशन के बारे में ज़रूर से सोचे और अपनी हेल्थ के बारे में, हमारे स्टूडेंट और टीचर्स के हेल्थ के बारे में ज़रूर से सोचे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।